हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी रजनीगंधा ब्लूम कर रहे हैं और हिबिस्कस भी आप देख सकते हैं अच्छी सी फ्लावरिंग में है। थोड़ा सा अपने गार्डन के फ्लावर का व्यू देते हुए और मैं फोकस करूंगी रजनीगंधा के फ्लावरिंग प्लांट पे, क्योंकि इस पर थोड़ा सा व्यूअर्स को इश्यू है कि उनके फ्लावर अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आप देख सकते हैं हिबिस्कस भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं इस समय, तो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो जाती है बारिश के टाइम पे और ये फ्लावर अच्छे से खिलने लगते हैं। तो अच्छे फ्लावर खिले हैं, आप देख सकते हैं सामने 4 फ्लावर दिख रहे हैं, 2 ये 6 हो गए, पीछे देखिए 7 हो चुका है और ये 8 हो चुका है और इसके पीछे भी एक शायद खिला हुआ है। तो देखिए 9 फ्लावर इसमें इस समय खिले हुए हैं और फ्लावर बड भी हैं, कॉस्मोस भी बड़े अच्छे से खिल रहे हैं इस समय। तो इस समय आप चाहें जो सीजन है कॉस्मास के प्लांट अगर बीज हो तो लगा सकते हैं। तो इसके दूसरा प्लांट आ गया, इसमें भी बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग चल रही है। तो इसके भी फ्लावर आपको काउंट करा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ है, ये सेकंड, थर्ड पीछे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सबसे ऊपर 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और पीछे इसमें भी देखिए 9 फ्लावर हो गया और एक और पीछे खिला हुआ है, शायद वो 10 फ्लावर है। तो आप 10 फ्लावर इसके अंदर सीख सकते हैं, दूसरे में 9 थे। तो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग चल रही है। और ये आ गया मधुकामनी यानी ऑरेंज जैस्मिन, तो ये भी बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग पे है। तो एक पास से लोग दिखाती हुई रजनीगंधा के फ्लावर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो रजनीगंधा के फ्लावर का बिल्कुल ये राइट टाइम है जुलाई में खिलना, कभी कभी ये पहले भी खिल जाते हैं, जून में भी खिलना स्टार्ट कर देते हैं और जून में ये एंड तक जून में आराम से फ्लावर बड आ जाती है। तो मैंने इसके ये 5 पॉट बनाए हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पॉट बनाए हुए हैं और हर एक पॉट में फ्लावर बड आ गई है। और ये जो 5th पॉट है इसके अंदर मैंने कल ही परसों में देखी थी, तो एक ये फ्लावर बड आप देख सकते हैं, तो इसमें अभी 1 निकली है और इसके अंदर 2 निकली है। तो एक ये हो गई और ये दूसरी हो गई ये वाली। तो बिल्कुल जब फूलों से भर जाते हैं, कलियों से भर जाते हैं, तो थोड़े से हैवी हो जाते हैं ये, तो झुकने लगते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है। और इसके इस पॉट के अंदर देखिए 4 निकली हैं, 1, 2, 3 और ये देखिए 4, ये तो बिल्कुल झुकी जा रही है। इस पॉट में 3 फ्लावर बड दी हैं, तो ऐसा नहीं है ये और भी देगा, 1 और ये पीछे दूसरी और ये तीसरी। और जो 5th पॉट है इसके अंदर सिर्फ 2 बड फ्लावर निकली हैं, 1 ये निकली है और 1 ये निकली है। तो ऐसा नहीं ये अब देना स्टार्ट किया है, तो ये नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा। तो बड़े ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है और इवनिंग में ये खिलना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत खुशबू अच्छी लगती है इनकी। और कुछ पॉट मैंने और भी तैयार किए क्योंकि मैं बल्ब तैयार करती रहती हूँ हर साल, तो जिससे कि मुझे ज़्यादा बल्ब मिल जाए लगाने के लिए। तो मैं कभी ख़रीदती नहीं हूँ, मैंने इसे 15 में परचेज़ किया था और आज 5 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैंने अभी तक प्लांट नहीं ख़रीदा है। मैंने बल्ब से ही इन्हें मल्टीपल कर कर के काफ़ी प्लांट बना लिए हैं और आज देख सकते हैं आप 5 पॉट ये तैयार कर लिए हैं। तो जो बचा हुआ बल्ब होता है मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको भी मैं किसी पॉट में ऐसे ही लगा देती हूँ। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, और इसने भी देखिए फ्लावर बड दे दी है, तो इसमें भी कोई मैच्योर होगा कहते कि बल्ब, तो उसने भी फ्लावर बड दे दिए, तो क्या पता ये और भी दे। तो मैं इस तरह से लगा देती हूँ, मैंने और भी लगाए हैं। और इस तरह से एक बड़ा पॉट था तो उसके अंदर भी मैंने ढेर सारे बल्ब जो बचे हुए थे वो ऐसे ही लगा दिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से बल्ब निकलते हैं तो मैं उन्हें कभी फेंकती नहीं हूँ और ऐसे किसी पॉट में लगा देती हूँ। तो उसमें से देखिए एक फ्लावर स्पाइक और निकल आई है, तो ये सब एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इनमें से भी बल्ब फ्लावर देंगे, पर निकल आए हैं। तो इसे क्या होगा जो हम लगा देते हैं तो इनमें से जो बल्ब लग जाते हैं छोटे छोटे, वो बाद में मैच्योर हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और वह नेक्स्ट सीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि वो अगले नेक्स्ट सीजन में अच्छी सी फ्लावरिंग करने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स का था कि ये सीजनल होते हैं या परमानेंट होते हैं, तो ये मैं कहूँगी ये सीजनल होते हैं, समर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ये हमेशा नवंबर में ख़त्म हो जाते हैं, तो इनका समर ही रहता है खिलने का। तो ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है पर ये परमानेंट, आप इनको स्टोर कर सकते हैं बल्ब के फॉर्म में।
पॉट साइज़ की बात करते हैं, व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि इसे कितने पॉट साइज़ में लगाना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप 10 से लेके 12 इंची का पॉट ले सकते हैं, क्योंकि तो बल्ब पे डिपेंड करता है, बल्ब बहुत गहराई तक इसकी जड़ें नहीं जाती हैं, बल्ब में ही रहती हैं, तो आप 10 से लेके 12 इंची का पॉट ले सकते हैं। मैंने 10 इंची के पॉट में भी इन्हें पिछले साल लगाया था और इस बार मैंने 12 इंची के पॉट में लगाया है, तो जिस हिसाब से आपको पॉट मिल जाए, हाँ ज़्यादा छोटे पॉट मत लीजिए, बट 10 से कम मत लीजिए और 12 से ज़्यादा बड़े मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 10 और 12 इंच के पॉट में आराम से लगने वाले प्लांट हैं। जैसा कि इनको बार बार रिपोर्ट करना चाहिए, हाँ इसको हमेशा आपको रिपोर्ट करना है, जब भी इनका सीज़न आएगा, यानी इनका सीज़न मार्च में आता है, नवंबर में ये इनका सीज़न एंड हो जाता है, ये लास्ट फ्लावरिंग नवंबर में करते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, तो विंटर में आप इनको ऐसे ही संभाल के रखिए, पॉट में कभी कभी बीच बीच में पानी डाल दीजिए 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, नमी मेंटेन रहनी चाहिए तब बल्ब अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। अगर आप क्रिकेट फर्टिलाइजर प्लांट को डालते हैं तो कभी कभी बीच में वो भी डाल दीजिए, मैं ऐसा करती हूँ जब कभी अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देती हूँ तो बीच बीच में इन प्लांट में भी जब सेव करती हूँ तो इनमें भी दे देती हूँ, क्योंकि नवंबर के बाद फ्लावरिंग नहीं होती है, प्लांट अपनी रेस्ट पोजिशन में चला जाता है, आपको ग्रीन ग्रीन घास तो जैसे पत्तियाँ मिल जाएंगी पर वो फ्लावर नहीं देगा और धीरे धीरे ये पत्तियाँ सूखती जाएंगी, और मार्च में आपको बिल्कुल इनको पॉट से निकाल के एक एक बल्ब छांटना पड़ेगा, और इसके बल्ब में बहुत सारे बल्ब होते हैं तो बल्ब को आपको अलग करना पड़ेगा। तो फ्लावरिंग मिस करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम इसको फर्टिलाइज़र बहुत कम देते हैं, पॉटिंग मिक्स में तो हम स्टार्टिंग में दे देते हैं पर इसको हम मंथली फर्टिलाइज़र नहीं देते, इसलिए इसमें आपसे फ्लावर मिस होते हैं। फीडर प्लांट होती है, एक बार पॉटिंग मिक्स में अगर आपने फर्टिलाइज़र दे दिया है तो ये मत सोचिए कि आपको इसे अब देना नहीं है, आपको मंथ में इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 3 बार देना होता है, और कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं तो आप NPK 1919 या सुपर फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको मंथ में आप 2 बार दीजिए जब तक बड नहीं निकलती हैं, और जब बट आ जाए फ्लावर बट, अगर फ्लावर खिल रहे हैं तो उसके बाद भी आपको फर्टिलाइज़र देना होता है जब फ्लावर ख़त्म हो जाए, तो शेड्यूल मेंटेन रखिए फ्लावर फर्टिलाइज़र का, तभी प्रॉपर फ्लावरिंग होती है रजनीगंधा में, और ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस अगर फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे, वाटरिंग हमेशा इसकी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, कभी भी सूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फ्लावर स्टॉक जो होते हैं वो स्ट्रेट ना होने के बजाय थोड़े से टेढ़े वेढ़े हो जाएंगे, तो ये सीधे ही अच्छे लगते हैं देखने में। फुल सनलाइट वाला प्लांट है तो फुल सनलाइट बहुत पसंद करता है ये, तो 2 टाइम इसको वाटरिंग आप अच्छे से कीजिए, गर्मियों में सुबह और शाम अच्छे से वाटरिंग देनी चाहिए। तो ये बस इतनी बातों का ख्याल रखेंगे तो हमेशा इसकी फ्लावरिंग मेंटेन रहेगी। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि क्या पॉटिंग मिक्स रखनी है, कैसे फर्टिलाइज़र देना है, तो वो पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, तो वो मैं लिंक ऐड कर दूंगी, देख सकते हैं। मैंने अभी तक इसकी फ्लावरिंग मिस नहीं करी जब से मैंने इन्हें लगाया है, तो थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है इनके बारे में, तो थोड़ी सी ये केयर मांगते हैं, अगर आप इनकी प्रॉपर केयर करेंगे तभी यह फ्लावर बर्ड आपको अच्छे से देंगे, क्योंकि ये बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे प्लांट हैं, और इनकी ये फ्लावर ट्विन बहुत अच्छे से रेट पर जाती है और बुके में यूज़ होती है, तो अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, पर थोड़ी सी अगर केयर कर लें तो बहुत ज़्यादा ये प्लांट फ्लावरिंग देते हैं। और ये नागचंपा भी देखिए कितने अच्छे से खिल रहा है, तो ये प्लूमेरिया बुडिका है लेकिन इसको हिंदी में नागचंपा भी बोलते हैं, तो आप इसकी लीफ देख सकते हैं बिल्कुल जो नाग का फन होता है बिल्कुल वैसे ही दिखती है, इसलिए इसे नागचंपा बोलते हैं, तो फ्लावरिंग आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी है। ये कटिंग ही मैंने बनाई थी और अभी भी इस पॉट में लगी हुई है, तो अभी और मैच्योर होने दूँगी तभी मैं पॉट पे लगाऊंगी। और वाटर लिली ने दूसरा फ्लावर भी दे दिया है, तो एक ख़राब हो चुका है आप देख सकती हैं, और ये दूसरा फ्लावर भी खिल चुका है, तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो इससे भी ब्लू पिंक होना स्टार्ट हो रही है अच्छे से। और ये मेरा रेड प्लूमेरिया, तो आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है और बिल्कुल फुल ब्लूम में है, तो 3 ही इसने फ्लावर बड्स सॉरी फ्लावर स्टॉक दिए थे और सब में बहुत सारे फ्लावर हैं, तो आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा लगता है ये रेड शेड का प्लूमेरिया, बहुत ही और भी शेड आते हैं इसके अंदर, एक पिंक वाइट में भी होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास अभी यही 3 शेड हैं, वाइट येलो और रेड,
तो इसकी फ्लावरिंग अभी बहुत अच्छे से चल रही है और इसमें भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो एक लास्ट का व्यू देती हुई सभी प्लांट का, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल। और इसमें भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो एक लास्ट का व्यू देती हुई सभी प्लांट का, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।